हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि लीब्रा ऑफिस में यानी लीब्रा ऑफिस के कैलक सॉफ्टवेयर में हम किस प्रकार से ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं, सम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्स फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं हम। और इसके साथ साथ हम दो फॉर्मूला को एक साथ जोड़ करके जो फॉर्मूला बनाते हैं वो फॉर्मूला यानी काउंट इफ फॉर्मूले की भी बात करेंगे, जिससे हम फेल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकालते हैं और नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट का कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये हम यहां पे देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा यहां से विथ मैं बढ़ा लेता हूं, इसकी यहां से विथ इसकी बढ़ जाएगी ये, और इसकी भी विथ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमें ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है। मैं आपको इसको थोड़ा पहले ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें सबसे बड़ी समस्या यहां पर है। तो देखिए, ऑप्टेन मार्क्स के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगा लीजिए, आप इक्वल टू लगा लीजिए। अब यहां पर सम लिखिए, जैसे आप एक्सेल में करते हैं ना वैसे ही, वो आपको शिफ्ट के साथ 9 अल्फाबेटिक बटन अल्फा न्यूमेरिक की प्रेस करना है। तो यहां पे प्रेस किया हमने और यहां ब्रैकेट ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन होगा यहां पर रखिए कर्सर को और अब आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए, अपने माउस को राइट साइड में मूव कराते चले जाइए और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, ये I3 है, I3 से लेकर M3 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहां टोटल होकर आ जाएगा, यानी ऑप्टेन मार्क्स हमने कैलकुलेट कर लिया, सम फॉर्मूला लगाना हमने सीख लिया। डबल क्लिक कीजिए, ये सारे का आंसर आपके सामने होगा। चलिए, यहां पर एवरेज मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इज इक्वल टू लगाना है, ए बी ई आर ए जी ई एवरेज फॉर्मूला लगाइए और ब्रैकेट ओपन कीजिए और फिर इसी को उठाइए और यहां से सेलेक्ट करते हुए आ जाइए बायोलॉजी तक। यानी आपको आना है I3 से M3 तक। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे कि एवरेज भी कैलकुलेट होकर आ चुका है। यहां पे देखिए, सबका एवरेज कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर बात करेंगे नए फॉर्मूले की, जो कि हम लाइनेक्स में यूज किए जाने वाले इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। तो इज इक्वल टू के साथ लिखिए काउंट इफ, तरीका सेम है, तरीके में कोई अंतर नहीं है। काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आपको सेलेक्ट करना है। ये रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपको डबल एटीट्यूड कॉमा में क्या देना है, लेस देन और ग्रेटर देन आप जो देते हैं, ठीक है, उसको दीजिए। तो अभी ग्रेटर देन दे रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 32, जो भी 32 से ग्रेटर देन है वो नंबर्स हमें आप निकाल करके दे दीजिए। यही हम कहना चाहते हैं इस फॉर्मूले के यूज से। तो यहां देखिए, यहां 3 सब्जेक्ट अपने आप आ चुका है। ठीक है, अब इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब आइए चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर 44 यानी पास है, 80 ये भी पास है, फिजिक्स यहां 55 है पास है, लेकिन केमिस्ट्री में देखिए 26 है, जो कि लेस देन 33 है। ठीक है, तो इसमें फेल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे 32 कर, अब यहां पर फेल्ड इन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे इज इक्वल टू लगाया, काउंट इफ लिखा हमने, और काउंट इफ लिखने के बाद यहां से ये रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद डबल इंटेड कॉमा में लेस देन क्या देना है आपको, लेस देन देना है 33, यानी 33 से लेस जो हो या उन नंबर्स की संख्या बताइए, उन सब्जेक्ट्स की संख्या बताइए जिनमें इन्होंने 33 से कम मार्क्स गेन किए। यानी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें इन्होंने 33 से कम मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, देखिए 1 2 ये दो ही सब्जेक्ट तो हैं। ठीक है, अब यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो ये सबके मार्क्स आ जाएंगे, आ चुके। अब यहां पे ग्रेड की बात करेंगे, तो देखिए ग्रेड निकालने का तरीका जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, इफ फॉर्मूले से हम ग्रेड निकालते हैं जनरली, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एवरेज सेलेक्ट करते हैं, यहां पे एवरेज जो हमने लिया इसको ले लिया। ठीक है, हर बार आपको एवरेज ही सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 कॉमा ऐसा हो तो एस ग्रेड आ जाए, फिर यहां पे कॉमा देंगे, आई एफ इफ लगाएंगे और फिर इसी को यानी एवरेज को ही सेलेक्ट करना है आपको दोबारा से, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 कॉमा हम यहां पे दे देंगे ए ग्रेड,
अगर ऐसा हो तो ए ग्रेड आ जाए, फिर यहां पर कॉमा देने के बाद इफ लगाएंगे, फिर वही एवरेज सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हम 75 तक आ चुके हैं, अब 65 करेंगे, ऐसा हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, यहां पे हम कर देंगे बी ग्रेड, ठीक है कॉमा इफ। अब फिर यहां पर ऐसा हो, एवरेज को ले लिया हमने, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और 65 तक हम कर चुके हैं, अब 55 करेंगे तो 55 हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, सी ग्रेड आ जाए, ठीक है इफ। अब फिर इसी को लेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अब 50, ठीक है कॉमा, अगर 50 हो तो आ जाए डी ग्रेड, लेकिन डी ग्रेड के बाद कोई ग्रेड नहीं होता, वो फेल होते हैं बच्चे, ठीक है कंप्यूटर साइंस में जो हम लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं, चाहे ओ लेवल के बच्चे हो या ए लेवल के हो या बी लेवल के हो या सी लेवल के हो, जो भी बच्चे हो, तो ये अगर इस तरह का 50% से कम मार्क्स पाते हैं तो फेल के कैटेगरी में आता है। तो देखिए इनका मार्क्स 50% से कम है तो ये फेल हो गए, ठीक है यहाँ फेल आ गया अपने आप, देख सकते हैं आप बहुत ईजी है ये फॉर्मूला, और यहाँ देखिए इनका सी ग्रेड आया, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता चला कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो यहाँ पे हमको देना था यहाँ पे 96, हमने गलती से यहाँ 26 दे दिया, तो यहाँ पे 96 जैसे ही आप करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे 96 किया हमने, तो यहाँ पे जैसे 96 करेंगे तो यहाँ देखिए ग्रेड में क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ देखिए ग्रेड अपने आप चेंज हो गया है, यहाँ पहले 26 था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 26 जैसे ही मैं करूंगा, ठीक है तो ये देखिए ये फेल्ड हो गए, और जैसे ही यहाँ पे 96 करता हूँ, ये देखिए 96 किया हमने, तो यहां पे जैसे ही 96 लिखूंगा ये ग्रेड जो है चेंज हो जाएगा, सी ग्रेड में आ गया, ठीक है देख सकते हैं आप। यहां पर इनका मार्क्स भी चेंज करते हैं, यहां पे 77 करते हैं, और जैसे ही हम 77 यहां पे करेंगे, देखिए यहां पे 77 किया हमने और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर भी सी ग्रेड आ गया, देख सकते हैं आप। इसी तरह से यहां 55 है तो 55 हटाया हमने, 99 कर दिया यहां पे, तो देखिए यहां पे बी ग्रेड आ गया, ठीक है, और यहां 44 है इसको भी हटाते हैं और यहां पे करते हैं 89। अब देखिए अब यहां पे ए ग्रेड आ चुका है, ठीक है एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसको भी चेंज करते हैं 98 करते हैं, और यहां पे देखिए एस ग्रेड आ चुका है। तो इस तरीके से ये चेंजिंग होती रहेगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग, आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां से और इसको सेलेक्ट करते हैं यहां से, ठीक है, और यहां से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है इसको बोल्ड बना लेते हैं और ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।